बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट, जो भी अभी कनेक्ट होंगे उनको भी, ठीक है। और आज हम चैप्टर जो 5 है उसका पार्ट 3 करने जा रहे हैं। इससे पहले 2 पार्ट हो चुके बेटा, सभी को पता है इससे पहले 2 पार्ट हो चुके हैं। और उन 2 पार्ट में हमने पढ़ा कि कितने टाइप के फॉरेस्ट होते हैं, 6 टाइप के फॉरेस्ट हमने डिस्कशन किए थे, और उसके अलावा वाइल्ड लाइफ के बारे में भी हम बातें कर रहे थे। हम एवरग्रीन के बारे में समझ रहे थे, एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होते हैं, फिर ट्रॉपिकल डेसिडिशियस क्या होता है, माउंटेन फॉरेस्ट यानी कि माउंटेन वाले फॉरेस्ट क्या होते हैं जो हाइट के अकॉर्डिंग होते हैं। इसके अलावा हमने वेट फॉरेस्ट भी पढ़े थे जो दलदली इलाकों में मिलते हैं वो फॉरेस्ट भी, थ्रोन फॉरेस्ट भी हमने पढ़े थे और मैंग्रोव भी हमने पढ़े थे। इस तरह से 5-6 टाइप के फॉरेस्ट हमने समझे थे। और फिर हमने बात की थी फॉरेस्ट कंजर्वेशन की। फॉरेस्ट कंजर्वेशन मतलब कि जंगल को बचाने के लिए, ठीक है, जिसमें हमने बात की थी 1956 में भी यहाँ पर एक कानून बना था, रूल बना था फॉरेस्ट को बचाने के लिए। उसके अलावा 1988 में भी मॉडिफाई किया गया उस फॉरेस्ट रूल को, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि किस तरह से 1988 में फॉरेस्ट पॉलिसी को दोबारा से रीमॉडिफाई किया गया था, ठीक है। ओके, तो आज हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ के बारे में, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। वाइल्ड लाइफ मतलब जंगली जीवन। देखो फॉरेस्ट के बारे में हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं, आज हम वाइल्ड लाइफ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। वाइल्ड लाइफ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि वाइल्ड लाइफ इंडिया में क्या है, कैसी है, जंगली जीवन के बारे में, ठीक है, जंगल के जीवन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो देखिए वाइल्ड लाइफ में इंडिया ग्रेट, बहुत बड़ा एक एरिया है, नेचुरल हेरिटेज एरिया है। नेचुरल हेरिटेज का मतलब है कि यहाँ पर इतनी अच्छी लोकेशन है कि वर्ल्ड वाइड इंडिया का नाम होता है। नेचुरल हेरिटेज एरिया है मतलब कि प्राकृतिक स्थल है ये, जहां पर अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे और अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती है। तो मतलब नेचुरल फिनोमिना में, नेचुरल हेरिटेज में जो एक प्राकृतिक दर्शनीय स्थल जो होते हैं उनमें हमारे इंडिया का नंबर आता है, बहुत अच्छा रैंक है इसका नेचुरल हेरिटेज में। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर होने लगा। इंडिया में फॉरेस्ट बहुत थे पहले, लेकिन धीरे 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 ह्यूमन एक्टिविटी होने लगी और धीरे धीरे सारे फॉरेस्ट काट दिए गए। और उन फॉरेस्ट के अंदर रहने वाले जितने भी जीव जंतु थे, वाइल्ड लाइफ थी, वो धीरे धीरे से खत्म होने लगी। एक टाइम अब ऐसा आ गया है कि सारे हैबिटेट एरिया डिस्ट्रक्ट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। जितना भी जहां पर भी जंगल में जो लोग जानवर रहते थे वो सारा उनका जो रहने का स्थान है, हैबिटेट का एरिया का मतलब होता है कि उनका बसाव स्थल जहां पर वो रहते हैं वो धीरे धीरे खत्म हो गया है, ठीक है। किस वजह से हुआ? ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से। तो हमारे पास कुछ रीजन है, देखो हमारे पास कुछ रीजन लिखे हुए मैंने कि भाई क्यों वाइल्ड लाइफ खत्म हो जाती है इंडिया से या कहीं और देशों से, वाइल्ड लाइफ क्यों फिनिश हो गई। तो सबसे पहला रीजन, पहला सबसे मूलभूत कारण, पहला सबसे पहला कारण, इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट हुई, फैक्ट्रियां लगाने लगे लोग, कभी कॉटन की फैक्ट्री लग रही थी, कभी आयरन की स्टील की फैक्ट्री लग रही थी, कभी कुछ फैक्ट्री अलग अलग टाइप की फैक्ट्री लगती चली गई। और इससे क्या हुआ कि फॉरेस्ट का एक्सप्लोटेशन होने लगा धीरे धीरे। जहां जहां भी फैक्ट्री लगती उसके आसपास के एरिया सारा जंगल साफ कर दिया जाता, और फिर वहां की जो जंगल में जो वाइल्ड लाइफ होती थी वो भाई धीरे 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 खत्म होने लग गई। एक्सप्लोइटेशन ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों का बहुत बड़े लेवल पे शोषण हुआ, एक्सप्लोइटेशन हुआ, शोषण मतलब एक्सप्लोइटेशन हुआ। पेपर इंडस्ट्री के लिए जंगल को काटा गया, रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए, रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ों को काटा गया, ठीक है। इसके अलावा जो जड़ी बूटियां जंगल से मिलती है उनके लिए भी पेड़ों को काटा गया। जैसे कि आप देखोगे हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में यू नाम की YEW, कौन सी वनस्पति होती थी, यू, YEW, यू नाम की वनस्पति होती थी, उस वनस्पति को काट दिया गया। उससे कैंसर का इलाज होता था, तो लोगों ने वहां के सारे जंगल को धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, एक्सप्लोइटेशन हुआ,
इंडस्ट्रीज की वजह से और टेक्नोलॉजी जब से आई तब से वो ज्यादा एक्सप्लोर होने लगे। अब देखो टेक्नोलॉजी कैसे, आप देखोगे पहले तो हाथों से कुल्हाड़ियों से जंगल काटते थे तो टाइम लगता था, लेकिन आजकल ऐसी मशीनें आ गई हैं बिजली से चलने वाली या बैटरी की मशीनों से चलने वाली जो मशीनें आ गई हैं वो फटाफट ही जंगल को काट देती हैं। कुछ ही घंटों में, कुछ ही दिनों में सारा जंगल साफ किया जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट है, इस वजह से जंगल धीरे 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 खत्म होते चले गए, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा कारण, लैंड क्लियर, जमीनों को साफ करना पड़ा, ह्यूमन डेवलपमेंट करने लगा और ह्यूमन डेवलपमेंट करने के लिए एग्रीकल्चर करना पड़ा, उसे मानव बसाव के लिए सेटलमेंट करने के लिए भी जमीन को साफ करना पड़ा, उसे रोड बनाने के लिए भी जमीन साफ करनी पड़ी, उसे माइनिंग करने के लिए भी जमीन को ऊपर से साफ करना पड़ता है। तो जब लैंड क्लियर करने लगे, जब जमीनें साफ होने लगी तो क्या हो गया, जंगल का नुकसान हुआ, वाइल्ड लाइफ खत्म होती चलेगी, फॉरेस्ट खत्म होते चले गए। जब लैंड को क्लियर किया गया, जमीनों को साफ किया गया एग्रीकल्चर के लिए, मानव बसाव के लिए, रोड बनाने के लिए और माइनिंग के लिए, तो देखोगे जंगल और जंगली जीवन धीरे धीरे खत्म होता चला, ठीक है। माना कि एग्रीकल्चर करने से हम डेवलप हुए हैं, लेकिन जीव जंतुओं का तो नुकसान हुआ ना, पेड़ों का नुकसान हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हमें झेलना पड़ा। दो पॉइंट हो गए, तीसरा पॉइंट है प्रेशर ऑन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट पर, जंगल पर पूरा पूरा प्रेशर पड़ा, जंगल पर आप देखोगे जंगल पर पूरा प्रेशर पड़ने लगा। किस चीज का प्रेशर, फ्यूल के लिए, लकड़ियों के लिए और फोडर चारे के लिए। आप देखोगे जंगल में लोग ज्यादा से ज्यादा जाने लगे और वहां से लकड़ियां काट काट कर लाए, पहले तो सूखी लकड़ियां तोड़कर लाते थे पेड़ों की, लेकिन जब जनसंख्या बढ़ने लगी तो गीले खड़े पेड़ को ही काट देते थे, ठीक है। और जो चारा जानवरों का जो होता था, अब वो जनसंख्या बढ़ने से ज्यादा बड़े लेवल में भेड़ बकरियां लेकर जंगल में घुसने लगे और धीरे धीरे सारे जंगल साफ हो गए। तो ये सबसे बड़ा तीसरा कारण, प्रेशर ऑन फॉरेस्ट, जंगलों पर दबाव पड़ा लकड़ियों को लेकर और किसको लेकर, खाने को, जानवरों का जो चारा होता है ना फोडर बोलते हैं उसको, तो फोडर को लेकर फिर जो है प्रेशर पड़ने लगा जंगल पे और जंगल धीरे धीरे साफ होते चले गए, ठीक है। तो तीन कारण समझ में आ गए, जंगल और जो जानवर क्यों खत्म हो गए, जंगल और जंगली जीव खत्म हो गए, इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुई, जंगल के जीव जब खत्म हो गए, जब लैंड क्लियर करने की जाने लगी एग्रीकल्चर वगैरह के लिए, जंगल तब खत्म होते चले गए जब वहां पर प्रेशर पड़ा जंगल पे दबाव बनाया गया, ज्यादा से ज्यादा चीजें वहां से निकाली गई, तो धीरे धीरे जंगल साफ होते चले गए। फोर्थ रीजन, सबसे जो चौथा कारण है वो ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग का मतलब होता है ज्यादा चराई करना। अगर किसी जंगल में अभी कोई चरवाहे 100 या 150 पशु लेकर गए हैं, 100 या ज्यादा 200 पशु ले गए हैं, 400 पशु ले गए हैं, तो उससे देखोगे कि धीरे 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 वहां पर जो है खत्म होना शुरू हो जाएगा पूरा एरिया। ओवरग्रेजिंग से वहां की जो घास वगैरह है वो खत्म होनी शुरू हो जाएगी और डोमेस्टिक कैटल यानी कि जो घरेलू जानवर होते हैं वो वहां पर पहुंचाए जाएंगे, तो वो धीरे धीरे सारे घास और सारे जंगल को खा जाएंगे और खत्म हो जाएगा सारा कुछ। तो ओवरग्रेजिंग भी एक सबसे बड़ा कारण होता है जिससे जंगल और जंगल के जीव खत्म हो जाते हैं। डोमेस्टिक एनिमल जब जंगल में जाते हैं तो वो दूसरे जो वाइल्ड लाइफ है वहां से डरकर भाग जाती है, क्योंकि उनके साथ इंसान भी तो होते हैं, वो डरकर वहां से भाग जाते हैं। तो इस तरह धीरे धीरे ओवरग्रेजिंग से भी जंगल और जंगल के जीव खत्म होने लगे। अगला पॉइंट है हमारा हंटिंग, शिकार करना खेल के लिए। लोग राजा पहले लोग शिकार करने जाते थे ना, ब्रिटिशर्स भी शिकार करने जाते थे, राजा लोग भी शिकार करने जाते थे। आपने 9th में पढ़ा था कि किस तरह से हंटिंग होती थी इंडिया में, महाराजा सरगुजा अगर आपको याद हो तो उसके नाम पे बहुत ज्यादा 2000 से भी ज्यादा लेपर्ड उसने मार डाले थे, मतलब कि चीते मार डाले थे, और ब्रिटिश ऑफिसर भी शिकार खेलने के लिए जाते थे। तो शिकार से भी जंगली जीवन खत्म होते चले गए। और कमर्शियल पोचिंग, अभी कमर्शियल पोचिंग क्या चीज होती है कि जैसे किसी को हंटिंग के लिए तो मना कर दिया गया, लेकिन चोरी छिपे वो जानवरों को मारते हैं जंगल में घुसकर, जंगल में घुस जाते हैं और जंगल में जानवरों का शिकार, मतलब कि चोरी छिपे उनको मार डालते हैं खाल के लिए। जानवरों को मारा जाता है उनकी वैल्यूबल दांत के लिए, जैसे हाथी के दांत बहुत वैल्यूबल होते हैं, या फिर जंगलों में जानवरों को मारा जाता है जैसे कि चीते की खाल के लिए, चीते के नाखूनों के लिए उनसे दवाइयां बनती है, तो वो पोचिंग करते हैं। पोचिंग का मतलब है चोरी छिपे जानवरों को मारना, क्या करने के लिए, उनको बेचने के लिए। कॉमर्शियल पोचिंग मतलब कि चोरी छिपे जानवरों को मारना।
तो ये सब होने लगा और जंगली जीव खत्म होते चले गए। और अगला पॉइंट है इंसिडेंट्स ऑफ फॉरेस्ट फायर। कई बार जंगलों में आग लग जाती है और जंगल के सारे पेड़ जल जाते हैं और उसकी वजह से जंगल के जानवर भी वो भी मारे जाते हैं। अफ्रीका के जंगलों में देखो, अभी कुछ दिनों पहले, एक साल अभी 5-6 महीने पहले ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी हुई थी। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी हुई थी, वहां के कंगारू आप देखोगे पूरी तरह से जल गए थे, सारे के सारे पेड़ जल गए वहां पर और सारे के सारे कंगारू और जानवर वहां पर मारे गए, बहुत बुरी हालत हो गई। तो ये 6 मेन कारण है जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट खत्म हो जाते हैं। पहला कारण इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जिससे जंगल काटे जाते हैं, ओवर एक्सप्लोटेशन होता है। दूसरा कारण लैंड क्लियर की जाती है एग्रीकल्चर या सेटलमेंट के लिए, रोड और माइनिंग के लिए। तीसरा बड़ा रीजन, जंगल के ऊपर प्रेशर पड़ता है लकड़ियों को लेकर, फ्यूल को लेकर और फोडर को, चारे को लेकर। तो उससे जंगल पर जब ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, लोग ज्यादा लकड़ियां काटेंगे, ज्यादा घास वहां से निकाल लेंगे या फिर जानवरों को चरा कर लेके आएंगे, तो प्रेशर बढ़ने से जंगल खत्म होते चले जाएंगे। और जंगल खत्म होंगे तो जानवर भी खत्म होंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। ओवरग्रेजिंग करने से जंगल खत्म हो जाते हैं, ज्यादा चराई करने से, और वहां के जानवर भाग जाते हैं, वाइल्ड लाइफ जो वहां से निकल लेती है, ठीक है। और हंटिंग मतलब शिकार करना, और कॉमर्शियल पोचिंग का मतलब है कि चोरी छुपे अंदर घुसकर जानवरों को मार डालना बेचने के लिए, तो वो कॉमर्शियल पोचिंग हो गया। और इंसिडेंट्स ऑफ फॉरेस्ट फायर मतलब कि जंगल की आग, जंगल की आग से भी वाइल्ड लाइफ पूरी जलकर भस्म हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है। तो इतने सारे खतरे हैं जिससे वाइल्ड लाइफ या जंगली जीवन खत्म होता चला जाता है। अब इसको बचाने के लिए क्या किया जाए, इस वाइल्ड लाइफ को और फॉरेस्ट को बचाने के लिए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन शुरू किया गया, जंगली जीव संरक्षण। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का मतलब होता है जंगली जीव संरक्षण। भारत में इसकी शुरुआत 1972 में की गई थी, जब पहली बार वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लगाया गया, जब पहली बार वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लगाया गया, ठीक है। तो देखोगे उस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बाद में जानवरों को बचाने के लिए नेशनल पार्क बनाए गए, जो इस समय 103 हो चुके हैं। पूरे भारत भर में इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लगने के बाद 103 नेशनल पार्क हो चुके हैं, ठीक है, और 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई जा चुकी है। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अंतर होता है साइज का, नेशनल पार्क साइज में बड़े होते हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी साइज में छोटी होती है। इसलिए 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन चुकी है यहाँ पे और 103 नेशनल पार्क्स बन चुके हैं, ठीक है, ओके। और यूनेस्को जो वर्ल्ड लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड लेवल पे जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे संसार के लेवल पे यूनेस्को जो वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को बचाने वाली संस्था है, उसने इंडिया में मैंस और बायोस्फीयर प्रोग्रामिंग शुरू किए हैं। यूनेस्को जो एक बड़ी संस्था है, उन्होंने इंडिया में मैन एंड बायो रिजर्व्स प्रोग्राम शुरू किए हैं, मतलब कि आदमी और जीव संरक्षण प्रोग्रामिंग शुरू किए हैं, ठीक है। तो आप देखोगे, आपने समझ लिया कि किस किस तरह से यहाँ पर वाइल्ड लाइफ शुरू की गई है, किस तरह से नेशनल पार्क बनाए गए हैं और किस तरह से यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बन चुकी हैं और यूनेस्को रिकॉग्नाइज मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम शुरू किए गए हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। देखो मिडिल में लिखा हुआ है कौन कौन से बायो रिजर्व इंडिया में बन चुके हैं, कौन कौन से बायो रिजर्व इंडिया में बन चुके हैं, उनके बारे में डिसीजन कर रहे हैं, ओके। तो देखिए बायो रिजर्व्स इन इंडिया, ये टोटल 18 है, ऊपर देखोगे आप 18 लिखे हुए हैं, मैंने ऊपर 18 लिखे हुए 18 है, लेकिन हमारे बोर्ड में जगह कम थी इसलिए मैंने 16 ही लिखे हैं। फिर मैं आपको नोट्स भी भेज चुका हूं, तो आप नोट्स में पढ़ा और 18 के बारे में बारी-बारी हम थोड़ा समझ लेते हैं। 18 बायो रिजर्व्स इंडिया में यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किए हैं। यूनेस्को क्या है, वर्ल्ड लेवल पे एक बड़ी संस्था है जो क्या करती है, बड़े लेवल पे एक संस्था है जो कि अलग अलग जगह पर बायो रिजर्व सेंटर्स बनाती है। जैसे इंडिया में कितने सेंटर बनाए गए, 18 बायो रिजर्व। पहला कौन सा है, नीलगिरी। नीलगिरी कहां पे है, तमिलनाडु में। नीलगिरी कहां है, तमिलनाडु में। केरल और कर्नाटका, इन तीनों राज्य में फैली हुई पहाड़ियां,
नीलगिरी की पहाड़ियां, अगर आपको नीलगिरी ऑयल अगर याद है, नवरत्न तेल आता है, नवरत्न तेल, तो नीलगिरी की पहाड़ियों से, नीलगिरी की पहाड़ियां जो तमिलनाडु केरल और कर्नाटक में फैली हुई है, उन नीलगिरी की पहाड़ियों से जड़ी बूटियां इकट्ठी करके नवरत्न तेल तैयार किया जाता है। ठीक है, तो उस नीलगिरी क्षेत्र में 5520 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, 5520 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बनाया गया, जो कि जानवरों को सुरक्षित करने के लिए था, तमिलनाडु केरल और कर्नाटक में। कब बनाया गया? 1986 में। स्क्वायर किलोमीटर एरिया, स्क्वायर किलोमीटर एरिया ये बनाया गया, स्क्वायर किलोमीटर एरिया तैयार किया गया। नीलगिरी का टोटल एरिया कितना है? 5520। कब तैयार किया गया? 1986। ठीक है, तो ये हमें याद रख लेना चाहिए कि नीलगिरी कहाँ है, तमिलनाडु में है। ओके, अब दूसरा वाला जो बायो रिजर्व्स है, ये बायोस्फीयर होते क्या है, पहले ये तो समझ लो कि बायोस्फीयर क्या होते हैं। बायोस्फीयर का मतलब होता है एक ऐसा एरिया जहां बहुत अच्छा इकोसिस्टम है और जानवरों के लिए और पेड़ पौधों के लिए बहुत अच्छी जगह है, वो उसको हम बायोस्फीयर कह सकते हैं। मतलब कि जीव मंडल, इसका हिंदी में मतलब होता है जीव मंडल, मतलब कि जहां पर प्लांट और वाइल्ड लाइफ आराम से रह सकेगी, उस एरिया को बायोस्फीयर कहते हैं। तो ऐसे कितने हमारे इंडिया में? 18 है। पहला कौन सा हो गया? नीलगिरी। नीलगिरी कहां है? तमिलनाडु केरल और कर्नाटक में। कब बनाया गया उसे? 1986 में। कितना एरिया दे दिया गया? 5520। आराम से याद करोगे, हो जाएंगे आराम से। ठीक है, अब देखिए दूसरा वाला, नंदा देवी। नंदा देवी उत्तराखंड में होता है, आप देखोगे वहां बोर्ड में लास्ट में लिखा उत्तराखंड। ठीक है, इसके कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को चूज किया गया? अल्मोड़ा और चमोली डिस्ट्रिक्ट। उत्तराखंड के अल्मोड़ा और चमोली डिस्ट्रिक्ट में नंदा देवी बायो रिजर्व्स लगाया गया, डिसाइड किया गया। कितना एरिया है? 5860 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, 5860 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। और नीलगिरी के 2 साल के बाद इसको शुरू किया गया था, नीलगिरी 86 और नंदा देवी 1988, 2 साल के बाद नंदा देवी को शुरू किया गया। ठीक है, और उसी टाइम में फिर नोक्रेक भी शुरू किया गया, नोक्रेक 1988 में शुरू किया गया, जो मेघालय में है, गारो खांसी जंतिया पहाड़िया, याद है जहां दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है, गारो खांसी जंतिया। तो गारो हिल्स में, कहां? गारो हिल में नोक्रेक लगाया गया। कब लगाया गया? 1988 में। तो ट्रिपल एन याद हो जाएगा, नीलगिरी, नंदा देवी, नोक्रेक, ट्रिपल एन, इसको आराम से याद कर सकते हो। पहले वाला तो 1986 में लगा था, और दूसरे वाला और तीसरे वाला 1988 में लगा था, आराम से याद हो जाएगा। नंदा देवी उत्तराखंड में है और नोक्रेक मेघालय में है। नोक्रेक का एरिया थोड़ा कम है, 820 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, 820 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया नोक्रेक के लिए दिया गया है। तो तीन हो गए, नीलगिरी, नंदा देवी और नोक्रेक, एक तो कर्नाटका का, तमिलनाडु का, दूसरा उत्तराखंड का, और तीसरा वाला मेघालय का। ठीक है, अब 4 नंबर पे है मानस। मानस बायो रिजर्व, मानस बायो रिजर्व आसाम में है, और कौन सा डिस्ट्रिक्ट? कामरूप डिस्ट्रिक्ट। कामरूप डिस्ट्रिक्ट में लगाया गया, और कितना एरिया दे दिया गया? 2837 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। ठीक है, कब बनाया गया? 1989 में 4 बनाए गए थे, देखो लगातार 4 दिख रहे हैं आपको। 1989 में मानस, 1989 में सुंदरबन, 1989 में गल्फ ऑफ मन्नार, 1989 में ग्रेट निकोबार, एक ही साल में 4 बनाए गए, बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगे, मानस, सुंदरबन, गल्फ ऑफ मन्नार और ग्रेट निकोबार। दो तो जी से तैयार हो रहा है, मानस, सुंदरबन, गल्फ ऑफ मन्नार, ग्रेट निकोबार, ये चारों के चारों एक ही साल तैयार किए गए थे 1989 में। तो मानस हो गया आसाम का, सुंदरबन हो गया वेस्ट बंगाल के डेल्टा एरिया में। सुंदरबन डेल्टा तो बहुत प्रसिद्ध है, टाइगर्स के लिए बहुत प्रसिद्ध है वो, टाइगर्स के लिए सुंदरबन डेल्टा एरिया, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, बढ़ रहा है वो डेल्टा। ठीक है, तो देखिए जो 9630 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया सुंदरबन का है, काफी बड़ा है। अभी तक जितने 4-5 हमने पढ़े हैं उनमें से सबसे ज्यादा एरिया सुंदरबन का ही देख रहे हैं हम तो। फिर गल्फ ऑफ मन्नार तो उससे भी ज्यादा है,
गल्फ ओमन नॉर्थ कितना एरिया है? 10,500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। और गल्फ ओमन नॉर्थ कहाँ है? कन्याकुमारी और तमिलनाडु में। कन्याकुमारी जो पॉइंट है, लास्ट इंडिया का पॉइंट है तमिलनाडु में। ये गल्फ ऑफ मन्नार है जो श्रीलंका और इंडिया को अलग करती है। आपने नाइन्थ में पढ़ा होगा ना इंडिया साइज एंड लोकेशन, उसमें हमने पढ़ा था कि श्रीलंका को अलग करने के लिए गल्फ ऑफ मन्नार यानी कि मन्नार की खाड़ी होती है, तो वहां पर क्या बनाया गया? बायो रिजर्व। ठीक है, कब बना? 1989 में। कितना एरिया था? 10,500। ओके, तो ये गल्फ ऑफ मन्नार हो गया। और ये सेवन नंबर पे आ जाता है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार कितना एरिया? 885। कब बनाया गया? 1989 में, अंडमान और निकोबार में। अब देखो सेवन हो गए हमारे, सेवन पॉइंट हो गए हमारे। इन सेवन पॉइंट को एक बार फिर देख लेते हैं, बहुत धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे देख लेते हैं। नीलगिरी पहला, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु कब बना? 1986 में, शुरुआत 1986 में हो गई थी। दूसरे वाला नंदा देवी और नोक्रेक, ये दोनों एक साथ शुरू हुए एन एन से, ठीक है। तो 1988 में एक तो शुरू हुआ उत्तराखंड में नंदा देवी, और दूसरा शुरू हुआ मेघालय में। ये सिंपल याद हो गया। मानस आसाम में शुरू हुआ 1989 में, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में शुरू हुआ 1989 में, गल्फ मन्नार तमिलनाडु कन्याकुमारी में शुरू हुआ 1989 में, और ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में शुरू हुआ 1989 में। सबके एरिए भी अलग अलग है। सबसे ज्यादा एरिया किसका है? गल्फ ऑफ मन्नार का। बहुत आसान है, धीरे धीरे याद करेंगे तो सारा कुछ याद हो जाएगा। अब एट नंबर पे देखिए, जिसमें काफी गैप निकला। फिर कितने गैप के बाद? 5 साल के गैप के बाद। देखो 5 साल का गैप हो गया 1989 से लेकर और 1994 के बीच में एक भी नहीं बनाया गया। ठीक है, देखो 1989 से 94 के बीच में एक भी नहीं बनाया गया। फिर अगला बना सिमलीपल। सिमलीपल कब बना? कहां बना? उड़ीसा में। कब बना? 1994 में सिमलीपल उड़ीसा में बना। म्यूरभंज, म्यूरभंज एरिया है, म्यूरभंज एरिया में वो बनाया गया 1994 में। ठीक है, इसका एरिया कितना है? 4,374 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, 4,374 स्क्वायर किलोमीटर एरिया सिमलीपल। कहां का हो गया? उड़ीसा का। फिर उसके बाद डिब्रू शिकोहा, डिब्रू शिकोवा, ठीक है, डिब्रू शिकोवा जो है वो आसाम में तैयार किया गया। आसाम का एक और भी तो पहले मानस भी है। आसाम के दो हो गए ना, मानस और डिब्रू शिकोवा। तो ये हो गया, मानस पहला था 89 में और ये डिब्रू शिकोवा 97 में। ठीक है, तो ये आसाम का डिब्रू शिकोवा हो गया, 765 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया आसाम का डिब्रू शिकोवा। फिर अगला अरुणाचल प्रदेश का दिबांग दिहांग, दिहांग दिबांग, इसको दिहांग दिबांग कह सकते हैं, 5,111 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, 5,111.5 इतना एरिया है दिहांग और दिबांग का। ये कहां है? अरुणाचल प्रदेश में। 1998 में इसे तैयार किया गया था, दिहांग और दिबांग का एरिया। ओके, फिर उसके बाद है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी 99 में मध्य प्रदेश में बनाया गया पंचमढ़ी, 4,981। ठीक है, तो 2000 से पहले पहले ये चार और तैयार हुए। दोबारा देख लो, सिमलीपल कब तैयार हुआ? 1994 में। डिब्रू शिकोवा कब तैयार हुआ? 1997 में। फिर दिहांग दिबांग कब? 98 में। और पंचमढ़ी कब तैयार हो गया? 99 में। ठीक है, तो ये हमें याद हो जाएगा। ठीक है, और कहां कहां है? सिमलीपल उड़ीसा, सिमलीपल उड़ीसा, डिब्रू शिकोवा आसाम, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि दिहांग दिबांग नदियां होती है अरुणाचल प्रदेश में। दिहांग दिबांग नदियां हैं, इसलिए उन नदियों के नजदीक ही बनाया गया है दिहांग दिबांग बायो रिजर्व्स। ठीक है, और पंचमढ़ी ये कहां है? मध्य प्रदेश में। इसे 99 में तैयार किया गया था। तो 2000 सन से पहले ये हो गए सारे। ठीक है, 2000 सन से पहले 11 बायो रिजर्व बन चुके थे। सन 2000 से पहले 11 बायो रिजर्व बनाए जा चुके थे, जिनकी डेट और लोकेशन हमने देख ली है कि किस किस जगह पर ये बनाए गए थे। अब 2000 सन के बाद कितने बने? 2000 सन के बाद बने हैं मिनिमम 7, 7 बने हैं। तो देखो 7 में पहला कौन सा? 2000 में, 2000 में सिक्किम में कंचनजंगा, कंचनजंगा बायो रिजर्व्स सन 2000 में तैयार किया गया सिक्किम में। आपको याद रखना चाहिए कि 2000 में तीन राज्य भी अलग हुए थे इंडिया में,
अलग अलग एक राज्य में से अलग अलग कर दी गई थी, जैसे यूपी से उत्तराखंड अलग हो गया था और एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हो गया था सन 2000 में, और यूपी से उत्तराखंड अलग हो गया, एमपी से छत्तीसगढ़ और बिहार से झारखंड, बिहार से झारखंड अलग हो गया, तीन राज्य अलग हुए थे, ठीक है, बिहार से झारखंड और यूपी से उत्तराखंड और एमपी से छत्तीसगढ़। तो उसी समय 2000 में कंचनजुंगा बायो रिजर्व तैयार किया गया सिक्किम में, ओके। फिर उसके बाद अगला अगस्तमलाई, अगस्तमलाई केरल तमिलनाडु में तैयार किया गया 2001 में, अगस्तमलाई 2001 में केरल तमिलनाडु में तैयार किया गया, और कितना एरिया था 3500 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया, 3500 स्क्वायर किलोमीटर एरिया तैयार कर दिया गया था, ओके। तो अभी 2001 से नाम ही मेरे को याद आ रहा है, 2001 में यहाँ पर भूकंप भी आया था 26 जनवरी 2001 में, ठीक है, 26 जनवरी 2001 में गुजरात के कच्छ भुज में बहुत बड़ा भूकंप आया था, ठीक है, 6.9 रिक्टर स्केल का था, नहीं 7.9 रिक्टर स्केल का था, ठीक है, तो वो गुजरात में आया था। उसी टाइम में अगस्तमलाई केरल तमिलनाडु में ये तैयार किया गया बायो रिजर्व, ठीक है। अगला 14 नंबर अमरकंटक और अचकमार, ठीक है, अचकनकमार और अमरकंटक, अचकनकमार और अमरकंटक, ये एमपी में अलग, एमपी में इसे बनाया गया 2005 में। अमरकंटक की पहाड़ियां होती है और अमरकचनार की पहाड़ियां भी वहां पर होती है, अमरकचनार और अमरकंटक वहां पर एमपी में होते हैं, वहां पर भी बायो रिजर्व 2005 में तैयार किया गया, ओके। और देखो गुजरात, फिर गुजरात का 2008 में, ठीक है, गुजरात में तैयार किया गया कच्छ का बायो रिजर्व, कच्छ एरिया भूकंप का एरिया है, दलदली एरिया है, वहां पर भी बायो रिजर्व तैयार किया गया, ठीक है, और वो 12,454 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था। और कोल्ड डेजर्ट हो गया, ये 2009 में शुरू किया गया हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया 7,770 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। तो इस तरह से 16 मैंने लिख दिए हैं, दो आपकी बुक में है, जिनमें जो है दो जो बच गए वो आपकी बुक में है, वो आप याद कर सकते हैं, या फिर मैं आपको उनके बारे में, दो भी हैं जिनको मैं बता सकता हूं कि वे कौन कौन से हैं। तो दो, एक तो बचा है, ठीक है, एक पन्ना, पन्ना मध्य प्रदेश में, पन्ना मध्य प्रदेश का पहले ये भी था अमरकंटक और अमरकचनार, तो वहां पर पन्ना बायो रिजर्व तैयार किया गया। और एक सेचालम, सेचालम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, सेचालम आंध्र प्रदेश में, जो 2010 में शुरू किया गया, और पन्ना 2011 में, पन्ना एमपी का 2011, ठीक है, 18वां बायो रिजर्व 18 वाला, और जो है कौन सा सेचालम, सेचालम कौन सा हो गया फिर, ये जो है आंध्र प्रदेश का, ठीक है। तो इस तरह से आप देखोगे कि बारी 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 यहाँ पर बायो रिजर्व बनाए गए जानवरों को बचाने के लिए, उनकी प्रोटेक्शन करने के लिए, ताकि जानवरों को नुकसान से बचाया जा सके और जानवरों की प्रोटेक्शन की जा सके, उनको इंडिया की जो रिच हेरिटेज है उनको रोका जा, बचाया जा सके और उनको सुरक्षित किया जा सके, ठीक है। तो इस तरह से यूनेस्को ने 18 बायो रिजर्व्स को रिकॉग्नाइज किया है, ठीक है। अगले पार्ट में हम तो देखिए, अब वाइल्ड कंजर्वेशन जो एक्ट हम पढ़ रहे थे 1972 में शुरू किया गया था, उसके उसके थ्रू क्या क्या शुरू किया गया इंडिया में, उसके थ्रू हमारे इंडिया में क्या क्या चीजें की गई थी, ठीक है, उसके थ्रू हमारे इंडिया में शुरू किया गया था, हाँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो वाइल्ड लाइफ प्रोडक्शन कंजर्वेशन एक्ट दिखाया गया है बोर्ड के लास्ट में, तो इसमें क्या क्या शुरू किया गया, वाइल्ड लाइफ प्रोडक्शन एक्ट जब शुरू हुआ, यानी कि जल वन्य जीवन संरक्षण कानून जब लगाए गए, तो उसी टाइम में टाइगर प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया 1973 में, प्रोजेक्ट टाइगर, ये आपने 10th में भी पढ़ा था, आपने 10th में पढ़ा था कि प्रोजेक्ट टाइगर, आपको बताया गया था किस तरह से टाइगर्स की संख्या घट रही थी और टाइगर्स को बचाने के लिए फिर प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। तो स्टार्टिंग में 9 टाइगर रिजर्व तैयार किए गए थे, आप देख सकते हो बोर्ड पे लिखा हुआ है 9 टाइगर रिजर्व शुरू किए गए थे, और उसके लिए एरिया 16,339 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, 16,339 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया टाइगर प्रोजेक्ट के लिए दिया गया था। स्टार्टिंग में कितने थे, 9 टाइगर प्रोजेक्ट। जब 1972 में टाइगर्स का सर्वे किया गया तो बहुत ही कम टाइगर थे, कितने टाइगर बचे हुए थे, केवल
1836 के लगभग 1836 के लगभग टाइगर बचे हुए थे। देखो लिखा हुआ मैंने टाइगर इन 1973, ठीक है। और फिर उसके बाद जब टाइगर रिजर्व धीरे धीरे बनने लगे, जब टाइगर रिजर्व की संख्या 44 हो गई, पहले स्टार्टिंग में 9 थे, उस समय संख्या टाइगर्स की कितनी थी 1836, लेकिन जब टाइगर रिजर्व और बढ़ाए गए और एरिया भी बढ़ा दिया गया, देखो डबल हो गया है, 16,339 स्क्वायर किलोमीटर एरिया था और वो बढ़ाकर 36,988 हो गया, 36,988 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जब हो गया तो उसकी वजह से टाइगर्स की संख्या भी बढ़ गई। जब एरिया टाइगर का बढ़ा दिया गया तो उससे टाइगर सुरक्षित होने लगे, और आप देखोगे कि जहां पर 1836 टाइगर थे जो है, फिर धीरे धीरे 2006 में कितने 1411 टाइगर और जुड़ गए, 1411 टाइगर और बढ़े उसमें, मतलब जो टाइगर बचे हुए तो वो तो बच ही गए, फिर उसमें से धीरे धीरे एक आधे कोई मान लो मरने भी लगे, लेकिन धीरे धीरे देखा गया कि टाइगर की काउंटिंग में 1411 बढ़ चुके थे, मतलब कि 2006 में 1836 में 1411 की बढ़त देखी गई थी, 1836 में लगभग 1411 टाइगर ऐड हो चुके थे, ठीक है। और उसके बाद देखोगे धीरे 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 फिर 2010 में 1706 लगभग जुड़ गए, मतलब पहले 1411 थे, फिर 1411 से बढ़ते बढ़ते वो 1706 हो गए, 1411 से 1706 हो गए 2010 में, और फिर टोटल में काउंटिंग लगभग लगभग 3532 हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि 1836 में जानवर मरे नहीं होंगे, उनमें से भी बहुत सारे जानवर मरे। अब टोटल मिलाकर 2010 के बाद लगभग ये मान के चलो 2010 से अब 2020 आ गई है, तो टाइगर ये मान के चलो कि 4300 के लगभग हो गए हैं, 4300 के लगभग टाइगर हो गए हैं, ठीक है। अब वो धीरे धीरे जो है कंप्लीट हो रहे हैं और धीरे धीरे और बढ़ रहे हैं। ये बताया जाता है कि 21वीं सेंचुरी के एंड तक टाइगर्स की संख्या बहुत अच्छे तरीके से बढ़ जाएगी, 10,000 क्रॉस करेंगे, 10,000 को क्रॉस कर जाएंगे, इतने टाइगर हमारे इंडिया में हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा किया गया है, जानवरों को बचाने के लिए और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू किए गए, जैसे क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट शुरू किया गया, प्रोजेक्ट हंगूल शुरू किया गया, प्रोजेक्ट हिमालयन मस्क शुरू किया गया। तो ये जो जानवर है जो खत्म हो रहे थे, क्रोकोडाइल हंगूल और जो है हिमालय मस्क, ये धीरे धीरे जो खत्म हो रहे थे, हिमालय मस्क का मतलब है जो वो होते हैं ना हिरण होते हैं, वो धीरे 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 खत्म हो रहे थे, उनको बचाने के लिए ये प्रोग्रामिंग किया गया, ठीक है। तो ये लेसन लगभग कंप्लीट हो गया है, इस लेसन में कुछ नहीं बचा है, ये हमने देख ही लिया कि भी कैसे प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया और स्टार्टिंग में कितने थे और उसके बाद कितने कितने होते चले गए, धीरे धीरे वो बढ़ते चले गए, फायदा हुआ। एलिफेंट प्रोजेक्ट जब शुरू किया गया 1992 में, एलिफेंट प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया था, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू किया गया था 1992 में, उसकी वजह से एलिफेंट भी फिर बचाए गए, ठीक है। तो ये लेसन आज कंप्लीट हुआ आपका, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।